G20 का आगाज आज कश्मीर घाटी में हो गया है। डेलीगेट जो है लगातार जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां से तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। हम आपको तस्वीरें इस समय जम्मू से दिखाएंगे, जहां पर शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है G20 के स्टार्ट होने पर जश्न मना रहा है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से G20 के जश्न पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है अपनी खुशी को जाहिर करता हुआ। ये तस्वीरें जम्मू की है कि जम्मू में किस तरीके से G20 के आगाज पर जो है बड़े पैमाने पर जश्न जो है मनाया जा रहा है। आप एक बैनर भी देख सकते हैं, लिखा गया है कि G20 का स्वागत है। जी हाँ, स्वागत किया जा रहा है। माना जा रहा है कि तकरीबन 1986 के बाद जो है ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कश्मीर घाटी के अंदर हो रहा है। कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो ये बदलते जम्मू कश्मीर की बात हो रही है और उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से G20 का स्वागत जो है यहाँ पर जम्मू में भी किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर ये ढोल नगाड़ों को बजाकर हुए G20 का स्वागत कर रही है। जम्मू कश्मीर के लिए अहम पल जो है वो माना जा रहा है, बदलते जम्मू कश्मीर की जो बात हो रही है अहम माना जा रहा है। G20 के विषय के अंदर आज G20 के 60 प्रदेशों 60 स्टेट 60 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां श्रीनगर के अंदर पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं और बड़ा 85% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड उन कंट्रीज वहां इकट्ठे होकर के हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी के विषय के अंदर टूरिस्ट कैसे बढ़े उसके विषय के अंदर विचार चल रहा है। ये पहला मौका है जो मोदी जी के समय ये मौका पहले बार प्रदान हुआ है। बुर्ज खलीफा जिसने बनाया वो बंदा वहां माल बना रहा है और पाकिस्तान छेड़खानी करने का प्रयास करना चाहता है। पाकिस्तान आज भी कह रहा है कि भाई साहब वहां किस तरह से वो जो एक ड्राइवर एक होटल का पकड़ा गया जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट था कि ये पूरे के पूरा होटल के ऊपर हमला करें 9/11 इस तरह का प्रयास करने का प्रयास करा और बाहर वाले करेंगे पाकिस्तानी करेंगे ये तो आशा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को भी बड़ा कष्ट है, ट्विटर बॉय को भी बड़ा कष्ट है। कष्ट किस लिए है कि कश्मीर के हालात बड़े अच्छे हैं, 60 प्रदेशों के प्रतिनिधि वहां आकर के और अपना कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मैसेज जा रहा है इसके लिए कश्मीर के नेताओं को वही कष्ट है जो पाकिस्तान वालों को कष्ट है। अब पाकिस्तानी कष्ट और कश्मीर के नेताओं का कष्ट का निवारण ये जो हम यहाँ ढोल नगाड़े और बर्फी लड्डू खिला करके करने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। आज जीत का समय है, ढोल नगाड़े बजाने का समय है, आज खुशियां मनाने का समय है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके मुंह के ऊपर चांटा मारने का समय है ताकि उनको ये बात को रियलाइज कर लें कि जो हालात पत्थरबाजों के थे वो समाप्त हो गए, जो पैसा वहां फाइनेंस करते थे वो गए, हुरियत वाले गायब हो गए और अब खुशहाली और G20 के प्रदेशों आकर के 85% जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर GDP है वो लोग आकर के यहाँ अपने प्रदेशों के लोग भेज करके अपने कंट्रीज के लोग भेज करके टूरिज्म के विषय के अंदर चाहे श्रीनगर होगा जम्मू होगा, मैं इसमें कुछ शब्द यही ऐड करना चाहता हूँ, उन लोगों को यहाँ पर भी राउंड कटवाया जाए जम्मू का ताकि यहाँ भी ज्यादा टूरिस्ट बढ़े और समाधान करने का प्रयास करे। समाधान आ जाओ आ जाओ आ जाओ।